हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका अगेन स्वागत है लेक्चर नंबर 3 जो हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। हमने अब तक दो मेथड सीखी है, बाइसेक्शन मेथड, बोल्जानोस मेथड, इंटरवल हालविंग मेथड, जो एक ही मेथड है, अलग अलग नेम है उसके। पेपर में मोस्टली बाइसेक्शन से पूछते हैं। और दूसरी हमने सीखी थी रेगुलर फालसी या फिर फाल्स पोजिशन, जो उसका नाम है। दोनों में हम रूट निकालते थे, आज भी हम बच्चों रूट ही निकालने वाले हैं। मैथड नंबर 3 इज द मोस्ट आईएमपी मैथड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जाम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बच्चों आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथड है। न्यूटन रैप्सन मैथड को एनआर मैथड से बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने हैं। इसका जस्ट एक फॉर्मूला है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, नीचे एफ डैश एक्स एन, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट डैश मतलब डिफरेंशिएशन, टू टाइम डैश मतलब टू टाइम डिफरेंशिएशन। दूसरी चीज बच्चों, कभी कभी कोई बुक में यहाँ पे आई भी लिखा होता है, सो घबराने का नहीं, आई लिखना। ये हमें सम दिया हुआ है, बोला है कि आपको रूट निकालने हैं, कितने डेसिमल तक निकालने हैं, तो ऐसा हम देख लेते हैं क्या लिखा है उन लोगों ने। उन लोगों ने बोला है अप टू 4 डेसिमल आपको सेम करना है, अप टू 4 डेसिमल मतलब पॉइंट के पीछे 4 डेसिमल तक बच्चों सेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम xn ले लेते हैं, xn का क्यूब, 2xn का स्क्वायर, 10xn माइनस 20, और उसका बच्चों हम करेंगे डिफरेंशिएशन। अभी कोई ऐसा मत बोलना कि सर डिफरेंशिएशन सिखाओ, भाई ऑलरेडी आ गया है आगे के लेक्चर में डिफरेंशिएशन, जो हमने थोड़ा बहुत सीखा था। अगर आपकी ब्रांच अलग है तो हम शायद आपकी ब्रांच में आगे के चैप्टर में डिफरेंशिएशन न भी आया हो, थोड़ा बहुत मैं सिखा देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एम एम एक्स एम माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इन टू एक्स कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। तीन फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, एक्स रेस टू एम पावर वाला, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, 3 माइनस वन मतलब 2 हो जाएगी। यहाँ पे पावर वाला 2 आगे आएगा मतलब 4, एक पावर कम होगी तो 2 में से एक कम हो तो 1। ये कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, देखो एक्स की एक पावर है तो कॉन्स्टेंट इंटू एक्स मतलब कॉन्स्टेंट, तो 10 आएगा। और ये अकेला कॉन्स्टेंट है, उसका 0, उसके साथ x नहीं है तो उसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो उसका 0, बस काम खत्म। 3xn का स्क्वायर 4xn प्लस 10। अभी हमारा फॉर्मूला xn माइनस f ऑफ xn डिवाइड बाय f डैश xn, तो xn तो xn ही रहेगा, f ऑफ xn xn का क्यूब माइनस 20 f डैश xn 3xn का स्क्वायर 4xn प्लस 10। अभी बच्चों इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 3 एक स्टेप करके दिखाता हूँ, सिंपल है, ऐसा तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, यह पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 3xn का स्क्वायर xn के साथ, तो 3xn का क्यूब 4xn इंटू xn xn का स्क्वायर एंड 10 इंटू xn, डन, मतलब xn तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर ये माइनस होगा बीच में, ऑलवेज यहाँ पे माइनस होगा तो सबकी साइन चेंज होगी, भूलना मत, माइनस माइनस योर ये प्लस डिवाइड बाय, क्लियर। थोड़ा बहुत बच्चों सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, 3 में से 1 जाए तो 2xn का क्यूब, सिंपल। फिर 4 में से 2 जाए तो 2xn का स्क्वायर, 10 10 तो कैंसिल हो जाएंगे और बचा प्लस 20 डिवाइड बाय, ये से फॉर्मूला बनाने का होता है। देखो एक सम मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है, उसका आप बाद में बनाते हैं, पहले इसका कर लेते हैं, बाद में भूल जाओगे। चलिए बच्चों, सर यहाँ तक तो पता चल गया, इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करेंगे बच्चों, सिंपल, पुट एक्स एन इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो एक्स वन इक्वल टू 2x0 का क्यूब प्लस 2x0 का स्क्वायर प्लस 20 डिवाइड बाय 3x0 का स्क्वायर 4x0 प्लस 10। तो भाई x0 की वैल्यू कहाँ गई? यस सर, हमें तो लग ही रहा था कि आपने वो इंटरवल वाला फाइंड नहीं किया, प्लस माइनस कुछ करते थे ना, लेस देन ग्रेटर देन, मजा आ रहा था सर उसमें, चलो करते हैं। तो मैंने पहले इसलिए नहीं किया, आप बोलते हैं कि सर इसका यूज कहाँ है,
तो जब तक यूज़ नहीं आता तब तक मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। एक ज़ीरो रखो, ज़ीरो का क्यूब, तो ये कितना आएगा, माइनस ट्वेंटी लेस देन जीरो आता है, माइनस ट्वेंटी लेस देन जीरो। अभी क्या रखना है बच्चों यहाँ पे, एक्स इक्वल टू वन, वन का क्यूब, टू इंटू वन का स्क्वायर, प्लस टेन इंटू वन माइनस ट्वेंटी, तो टेन ट्वेल्व, थर्टीन में से ट्वेंटी जाए तो आएगा बच्चों कितना, माइनस सात। यस, तो ये तो लेस देन ही आया, नहीं चलेगा। चलो एक्स इक्वल टू टू रखते हैं, टू का क्यूब, तो इसका बच्चों आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, मेरे पास कैलकुलेटर है लेकिन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है एक बार ये सम, तो 16 आंसर आता है। चलो अभी तो मैं 16 लिख देता हूँ, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो बच्चों मुझे क्या मिला, देखो एफ ऑफ वन रखने से मुझे मिला माइनस सेवन और एफ ऑफ टू रखने से मुझे मिला 16। तो मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, बाई सेक्शन याद करो वो मेरा एक्स जीरो होगा, इसका वन और टू का जो हमने पॉइंट रखे थे वो, ये तो हम साइन दे के लिए ही रखते थे, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो आपको याद रखने का, बाई सेक्शन का जो मिड पॉइंट है वो इसका एक्स जीरो होगा, इतना याद रखोगे तो काम हो गया। बाई सेक्शन का जो पहला मिड पॉइंट है वो इसका एक्स जीरो है, थ्री बाई टू करोगे तो 1.5 आपका आंसर। तो एक पहला तो हमारा काम हो गया। चलो तो अभी इतनी चीज़ आप पहले ही कर दोगे तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, डन। 1.5 का क्यूब डिवाइड बाय 1.3736 आंसर आता है। एक चीज यहां पे याद रखो, आपको कैलकुलेटर को फिक्स करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपको कैलकुलेटर को क्या कर देना है बच्चों, फिक्स कर देना है। अगर आप कैलकुलेटर को फिक्स नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, कैलकुलेटर को फिक्स 9 डिजिट तक करना तो ही सेम आंसर आएगा, नहीं तो थोड़े बहुत चेंज हो गए, 1.35 होगा, 4 होगा, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा। बस अभी इसको सम में रखने जाना नहीं है जो गिवन है, कल तक हम ऐसा करते थे लास्ट लेक्चर तक, लेकिन आज हमें वो करना नहीं है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी पुट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन में आप x वन रखो, तो मैं तो क्या वहाँ वन रखने जाऊँगा, तो वन प्लस वन टू, यहाँ सब जगह पे वन, मैं तो कैसे याद रखता हूँ, इसमें एक बढ़ा दो, चलो वन का टू, जीरो का वन, जीरो का वन, फिर वन वन, डन। बस अभी x1 तो मिला हुआ है, कहाँ ढूंढने जाना है, जो चाहिए वो हमारे पास हैं, है भाई लोग, जो चाहिए वो मिल जाए तो कितना अच्छा है, हमें तो मिल गया है। आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात मत करना क्या सर, अपने दिल की बात कर रहे हैं भाई, मैं अपने दिल की बात नहीं कर रहा आपको लगता हो ना कि यार सर तो यार थोड़े थोड़े रोमांटिक रहो यार, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री पढ़ के तो आए हो यार, डिप्लोमा किया है सर, डिप्लोमा में भी आता था मुझे पता है, थोड़ा बहुत तो आया होगा ना, H प्लस ओ टू इज इक्वल टू एच टू ओ, ऐसा कुछ ना, या फिर टू एच प्लस ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन है। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करते हो बच्चों तो आंसर 1.3688 आता है, 1.3688। चेक करो आगे के चार डेसिमल में, हे भाई नहीं सेम है, 636 है, 688 है, तो ये तो बहुत डिफरेंस है भाई, नहीं चलेगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे, टू इन इक्वेशन वन, अभी टू रखोगे तो टू प्लस वन थ्री, यहाँ सब जगह पे टू आएगा, लेकिन मैं तो याद रखता हूँ कि इसमें एक बढ़ा दो, तो टू का थ्री, वन का टू, वन का टू डिवाइड बटे वन का टू, वन का टू, और टू तो अभी मिला था, रख दो, हम कहाँ थे, अपनी केमिस्ट्री पे थे ना, ये स्टेप आता है तो अपने को केमिस्ट्री याद आ जाती है भाई, टेंशन वेंशन लेने का नहीं, अच्छे से पढ़ाई करने का, टेंशन लोगे तो कोई मार्क ज़्यादा आने वाले नहीं है, बिंदास मस्त कैलकुलेटर लो और सम कैलकुलेट करो, तो एक्स थ्री का आंसर हमारा आ जाएगा, कितना आता है 1.3688, वेरी गुड, यू हैव अचीव योर गोल, चार डेसिमल तक सेम हो गया, तो रियल रूट ऑफ इक्वेशन 1.3688 इज आर राइट आंसर, इज अवर राइट आंसर। दूसरी बात बच्चों, ये सम सॉल्व हो गया, अभी मैंने एक सामने आपके सामने एक सम रखा हुआ है, इसका मैं एफ ऑफ एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करना मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे एफ ऑफ जीरो रखोगे तो जीरो माइनस कॉस जीरो आंसर आता है माइनस वन, मैं अभी आंसर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ,
मुझे यहाँ पे एग्जाम नहीं देनी है, आपको देनी है मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, और एफ ऑफ वन जब रखता हूँ तो आंसर 0.4596 आता है। तो ये मेरा काम हो गया, इंटरवल मतलब मुझे जो एक्स जीरो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, 0.5 मेरा एक्स जीरो मुझे मिल गया है, 0.5 मेरा एक्स जीरो है, कंफर्म कर लेते हैं, यस मेरा 0.50। मुझे आपको स्टेप सिखाना है, जो वाला ये वाला। तो बच्चों देखो, मैं इक्वेशन में वैल्यू रखता हूँ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। एक्स एन मेरा क्या है, ये वाला एक्स एन माइनस कॉस एक्स एन होगा। थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा, यही होगा ना। नहीं बच्चों ये तो एक्स एन ही रखना है, क्या यार आप भी, एफ ऑफ एक्स एन की जगह पे हमें रखना है ना एक्स एन माइनस कॉस एक्स एन, और नीचे डिफरेंशिएशन एक्स का वन होता है, देखो कॉन्स्टेंट इंटू एक्स का कॉन्स्टेंट, लेकिन कॉन्स्टेंट वन है तो वन ही आंसर आएगा, और डिफरेंशिएशन साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, ये बच्चों याद रखना। तो कॉस का माइनस साइन, तो नीचे प्लस साइन एक्स आने आ जाएगा ना, कॉस का माइनस साइन, बच्चों कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस अभी एलसीएम लो, थोड़ा बहुत सेटिंग करो, ये यहाँ पे जाएगा तो एक्स एन प्लस एक्स एन साइन एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस कॉस एक्स एन डिवाइड बाई वन प्लस साइन एक्स एन, कटिंग कटिंग एक्स एन साइन एक्स एन, ये माइनस प्लस हो गया है, सही बात है, अपॉन वन प्लस साइन एक्स एन प्लस कॉस एक्स एन, एक्स एन साइन एक्स एन प्लस कॉस एक्स एन वन प्लस साइन एक्स एन, सही है। बस इसमें अभी जीरो वन टू थ्री रख के शुरू करो, मुझे आपको ये बनाना सिखाना था कैसे बना। तो अगेन देख लो बच्चों, आपने क्या किया एफ ऑफ एक्स एन, ये पूरा एक्स एन करके लिख दिया, उसका डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट इंटू एक्स का कॉन्स्टेंट, कॉस का माइनस साइन तो प्लस हो गया, ये पूरा एक्स एन के साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स एन इंटू समथिंग एक्स एन, एक्स एन इंटू समथिंग तो एक्स एन साइन एक्स एन, ये माइनस की वजह से अंदर दोनों की साइन चेंज, एक्स एन एक्स एन कर सिंप्लीफाई करके आंसर। तो बहुत सिंपल मेथड है, मैंने आपको ऑलरेडी तीन सम होमवर्क में दिए हैं, तीन और ये एक चार, ये सम आपको करना है एक्स माइनस टू साइन एक्स, रेडियन में ही रखो कैलकुलेटर को। देखो डिग्री मोड में करके करोगे ये सम तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इसमें डिग्री मोड में नहीं रखना, उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये एक सम आपको करना है, ये एक सम आपको रेडियन मोड में रख के करना है, ये डिग्री में रख के करोगे रेडियन में रखे करोगे आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन इसमें कंपलसरी रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो बच्चों ये न्यूटन रैफसन का पहला पोर्शन था, अभी इटरेटिव फॉर्मूला का पोर्शन जो दूसरा पार्ट है वो अच्छे से देखना, उसमें से भी एक सम कभी कभी आता है, इसका सम या फिर उसका सम, दोनों में से कोई एक सम 110% पेपर में आता ही आता है। डन दोस्तों, तो आई होप आपको पता चल गया है कि मेथड का कंसेप्ट क्या है, होमवर्क करोगे आंसर आएगा तो कॉन्सेप्ट पता चल गया है, प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।